और लाइट दोस्तों, अगर तुम्हारा बजट सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये का है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पर्सनली खुद ऐसे स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया हुआ है जो कि पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च किए गए थे, लेकिन अब उनके यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, वो भी अराउंड 15,000 पे। तो वीडियो को देखना आपको लास्ट तक, और वैसे भी देख रहा है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की जो भी दिवाली सेल आने वाली है उसके अंदर अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर ले सकते हो। और भैया अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन का भी यहाँ पर अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई SBI का क्रेडिट कार्ड है या कोई डेबिट कार्ड है तो आप इससे यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर ऑफर लेने वाले हो। और वैसे में अगर मैं प्राइस के ऊपर बात करूँ तो ये अभी जो प्राइस मैं बताऊँगा वो अभी करंटली है, जो विक दिवाली सेल आई उसके अंदर आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो अपने यहाँ पर जो लिस्ट का जो पहला फ़ोन है जो कि मैं यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट करूँगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमारी लिस्ट का पाँचवा फ़ोन रहने वाला है। और पाँचवें जो लिस्ट में यहाँ पर जो फ़ोन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है तो मैंने इसके अंदर दो डिवाइस को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर अपना जो पाँचवा फ़ोन है जो कि रहता है लावा का विलेज, और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर जो लावा का विलेज करो 5G फ़ोन है उसका यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिला हुआ था, और इसके यहाँ पर जो डिस्प्ले होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, क्योंकि इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड का नहीं बल्कि एमोलेड यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिला था, जिसका यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट था वो अराउंड यहाँ पर 120 हर्ट्ज का देखने को मिला था। और इसके यहाँ पर जो कैमरा का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस था, बैटरी वगैरह थी, काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। इसका जो परफॉर्मेंस था वो यहाँ पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 7050 प्रोसेसर देखने को मिला था, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है। लेकिन इसके यहाँ पर जो कैमरे की जो UI होती है वो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद नहीं आई हुई है, और बेसिकली ये वाली जो एक मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हार्डवेयर बेस्ड प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पर ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड थी, और आगे जो फ्यूचर में इसके जो सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे उसके थ्रू इस चीज़ को यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। और अपने यहाँ पर मैंने बताया था कि पाँचवें नंबर पर मैंने एक नहीं बल्कि दो डिवाइस को इंक्लूड किया हुआ था, तो अपने यहाँ पर जो दूसरा डिवाइस है जो कि अराउंड आपको यहाँ पर 11,499 में देखने को मिल जाता है, और उसकी अगर मैं प्राइस बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट हो सकती है, अराउंड आपको 10,000 में भी ये देखने को मिल सकता है अगर आप यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑफर लगा देते हो। और उसकी मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 प्रोसेसर, जिसके अंदर मैं बात करूँ तो इसका जो डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस होता है उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का यहाँ पर एक LCD पैनल देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसका यहाँ पर जो कैमरा वगैरह रहता है तो इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक जो प्राइमरी यहाँ पर जो कैमरा सेंसर होता है वो आपके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग तो उम्मीद सी बात है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है, बट इसके अंदर मुझे एक कमी नहीं बल्कि दो कमी महसूस हुई है। जो पहली कमी है जो रहता है कि इसके अंदर आपको कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है, अगर आप एक तरीके से हेडफोन वगैरह यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर का यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो साउंड होता है वो इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। बल्कि अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जिसकी यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर अच्छी बात यह रहती है कि आप इनको यहाँ पर सिंपल तरीके से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ अपने यहाँ पर चौथे डिवाइस के ऊपर जो कि रहता है यहाँ पर मोटो का G64, और वैसे भी देख रहा है तो यहाँ पर जो मोटो का यहाँ पर जो एक तरीके से फ़ोन रहता है उसके यहाँ पर जो सबसे अच्छी यहाँ पर एक चीज़ रहती है वो रहती है इसके यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग। क्योंकि मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पर जितने भी डिवाइस बताए हुए थे उनका यहाँ पर जो कैमरा था वो हमें यहाँ पर मोटो का G64 का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है, और इसके अंदर आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है MediaTek का Dimensity का 7025 का प्रोसेसर, और इसके अंदर आपको अगेन यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कुछ IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा रहता है, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि इसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड यहाँ पर OS सपोर्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा तो यहाँ पर एक तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अगर मैं चार्जिंग के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इसके अंदर आपको टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जो चार्जिंग होती है तो थोड़ी सी आपको इसके अंदर स्लो देखने को मिलने वाली है, और मोटो के साथ मेरे यहाँ पर एक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। कि लेकर आए तो मोटो वाले यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर जो पुराना यहाँ पर जो मोटो का एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा मैं देखने को नहीं मिला था। तो अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे नंबर वाले डिवाइस के ऊपर जिसका यहाँ पर रहता है Realme का P1 डिवाइस, जिसको पर्सनली मैंने यहाँ पर काफ़ी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, और मैं बताऊं तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। MediaTek के यहाँ पर Dimensity का 7050 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एक एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा जिस जो कि सपोर्ट करेगा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट को, और साथ साथ मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा,
बट मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो अगर आपके पास एक लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है तो इस तरीके से जो कैमरे की यहाँ पर जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती है। बट अगर यहाँ पर फोटो अगर आप कैप्चर करते हो लाइटिंग कंडीशन में, तो अगर मैं बताऊँ तो इसका जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अंदर आपको कुछ सुपर वूक चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके यहाँ पर जो प्राइस है वो अराउंड आपको 15,000 से ब्लो देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ एक तरीके से डेबिट कार्ड वगैरह और अप्लाई कर देते हो तो आपको थोड़ा सा जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम और देखने को मिल सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ अपने सेकंड नंबर वाले डिवाइस के ऊपर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। वो इसके डिजाइन बेस्ड के ऊपर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या रहता है कि एक इंटरेस्टिंग डिजाइन रहती है। आप चीज़ों को इसलिए कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ क्लीन यूआई देखने को मिलती है, बट यहाँ पर जो कमी रहती है वो रहती है यहाँ पर स्पीड के रिगार्डिंग, जो कि रहती है चार्जिंग की स्पीड। जिस तरीके से देखा जाए तो इसको यहाँ पर और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता था। बट मैं अगर यहाँ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर रहता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 7300 का प्रोसेसर। और मैं डिस्प्ले के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि सपोर्ट करती है 120Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट को। अगर मैं कैमरे के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर आपको 50 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंदर आपको चार्जिंग वगैरह तो थोड़ा स्लो देखने को मिलती है, बट यहाँ पर इसकी जो IP रेटिंग होती है वो भी एक तरीके से थोड़ी मुझे इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली हुई है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिवाइस चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा डिजाइन वगैरह चाहिए, एक तरीके से क्लीन UI चाहिए और परफॉर्मेंस होता है अगेन इसके अंदर काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए ढूंढ रहे हो तो उस डिवाइस के साथ आप जा सकते हो। तो अपने यहाँ पर जो नंबर वन का डिवाइस है बेसिकली मैं वो रहता है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M35। और मैंने इस डिवाइस को इसलिए रखा गया है कि मुझे यहाँ पर जो सैमसंग के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेसिकली काफ़ी अच्छा रहा है। इसकी यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी होती है चलते भी बहुत हैं अराउंड आपको यहाँ पर 4 साल का। तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड OS का यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा, इट मीन्स यहाँ पर ये वाले जो एंड्रॉयड यहाँ पर वर्जन होंगे वो आपको 4 बार अपग्रेड देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड की मैं बात करूँ, NFC सपोर्ट की मैं बात करूँ और जो यहाँ पर जो लेंथ है तरीके से लॉन्ग यहाँ पर जो बैटरी पिकअप होता है उसकी वजह से बात करूँ तो ये वाला जो सैमसंग गैलेक्सी का M35 फोन है वो इसलिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मैं कैमरे वगैरह की बात करूँ तो इसका जो कैमरा होता है, मुझे सभी कैमरों की कंपेयर में बताऊँ, मैंने पहले बताया हुआ था कि यहाँ पर रियलमी का P1 और मोटो का G64 उनसे भी यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने मोटो G64 के भी पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी थी, लेकिन इस बार मैं कहता हूँ कि सैमसंग का जो गैलेक्सी का M30 फोन है इसका जो कैमरा है यहाँ पर कैमरे का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रहता है डिस्प्ले वाइज में बात करूँ तो इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड के यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पर इसके अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और मैं अंतुति स्कोर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको अराउंड 6 लाख का यहाँ पर अंतुति स्कोर देखने को मिलता है। बैटरी भी काफ़ी बड़ी रहती है, 6000 mAh की बैटरी रहती है। 4 साल का यहाँ पर एंड्रॉयड OS का प्रॉमिस देखने को मिलता है। बट मैं यहाँ पर कुछ एक तरीके से पुराने यहाँ पर एक तरीके से कमियों के बारे में बता देता हूँ तो इसके अंदर क्या रहता है, थोड़ी सी यहाँ पर जो बिल्ट है यहाँ पर इसकी रहती है एक तरीके से थोड़ा सा आपको थिक वगैरह लग सकता है। एक तरीके से अगर आप यूज करोगे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर आपको स्लो चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सैमसंग वाले होते हैं वो चार्जिंग के बेसिस पे यहाँ पर काफ़ी एक तरीके से स्लो फोन यहाँ पर एक तरीके से मार्केट में लॉन्च करते हैं। और मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको कुछ लो लाइटनिंग यहाँ पर जो फोटोग्राफी होती है वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। और ये इसके हार्डवेयर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर अगर होगा उसके थ्रू इस चीज़ को फिक्स किया जाएगा। बट मैं अगेन बताऊँ तो यहाँ पर ये नहीं है कि इसका जो कैमरा वो ख़राब है, बल्कि जो मैंने सारी डिवाइस बताए हुए हैं उनसे मैं ये वाला जो कैमरा वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप इसके साथ जा सकते हो तो आप बेसिकली यहाँ पर जा सकते हो। और ये वाला जो वीडियो था वो पूरे तरीके से यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं था, तो आप इस वीडियो को पूरे तरीके से यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो के लिए 4 से लाइक मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।